और एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। जम्मू से यह खबर आ रही है जहां पर रामगढ़ इलाके में एक उल्लंघन किया गया है सीज फायर का। कई दिनों से वहां पर सीज फायर लागू था लेकिन पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से उल्लंघन किया गया है। वहीं पाकिस्तान को बीएसएफ का करारा जवाब, बीएसएफ की ओर से जवाबी फायरिंग में दो पाकिस्तानी रेंजर्स के मारे जाने की खबर आ रही है। इससे पहले पाकिस्तान की इस अनप्रोवोक्ड फायरिंग में बीएसएफ के एक जवान के मारे जाने की खबर आई थी और सियालकोट में बीएसएफ की जवाबी फायरिंग में दो पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सीमा पर अपेक्षाकृत और आपको बता दें, शोपिया में सुरक्षा कर्मियों से मुठभेड़ में टीआरएफ का एक आतंकी मारा गया है। उसी से जुड़ी हुई हमारे सहयोगी खालिद हुसैन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले के कोथलन गांव में आज सुरक्षा बलों ने एक और सफलतापूर्वक एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में जो मध्य रात्रि में शुरू हुआ था, एक मिलिटेंट जो द रेजिस्टेंट फ्रंट टीआरएफ से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है को मार गिराया गया है और इसके पास से कुछ हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इसका शव भी बरामद किया गया है और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये मिलिटेंट सिर्फ एक सप्ताह पहले जो है इससे मिलिटेंट रैंक्स ज्वाइन किए थे, न्यूली रिक्रूटेड मिलिटेंट था। लेकिन कल एक सूचना के आधार पर कोथालन के इस गांव में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जैसे ही इसे जीरो इन किया गया तो मिलिटेंट ने पुलिस के मुताबिक पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई हुई और करीबन दो से तीन घंटे तक चलने वाली इस मुठभेड़ में एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है।